दोस्तों जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ ही गई। जी हां, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर 14 अप्रैल को सात फेरे लेकर आखिरकार शादी के बंधन में बंध ही गए और उनकी शादी जैसा कि सभी देखा खूब धूमधाम से हुई, जिसके चलते इनकी शादी किसी रॉयल वेडिंग से कम नहीं थी और उनकी शादी में बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के बड़े बड़े सेलिब्रिटी शामिल हुए थे और सब इनकी शादी में काफी सिंपल और एथनिक लुक में नजर आए थे। लेकिन दोस्तों आप रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी के बारे में तो सब जान ही गए हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने अपनी ग्रैंड वेडिंग के बाद अब हनीमून के लिए कौन सा डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया है और कितने करोड़ रुपए खर्च किए? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना ना भूले। बॉलीवुड के पावर कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने 14 अप्रैल को आरके हाउस में शादी रचा ली है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने अपनी शादी में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया। चाहे बात की जाए आरके हाउस की डेकोरेशन की या फिर इनके वेडिंग ड्रेस की, इस तरह से इन्होंने बिल्कुल रॉयल अंदाज में सात फेरे लेकर शादी रचाई है। तो वही अब शादी के बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने हनीमून के लिए बहुत एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन भी सिलेक्ट कर लिया है, जहाँ आलिया भट्ट और रणबीर कपूर साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि हनीमून एंजॉय करने के लिए इन दोनों ने सबसे पहले लंदन सेलेक्ट किया है और वहाँ के 5-स्टार होटल 4 सीजन्स होटल को बुक किया है, जिसके डेकोरेशन और सारी अरेंजमेंट का ऑर्डर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने पहले ही दे दिया है और इसके लिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने 15 लाख रुपए एडवांस पेमेंट की है और इसके अलावा रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने एक और प्लेस हनीमून के लिए सिलेक्ट किया है और वो है इटली। जी हाँ, इटली में इन्होंने टस्कनी सिलेक्ट किया है, जो इटली का मोस्ट रोमांटिक हनीमून डेस्टिनेशन माना जाता है। खबरों के मुताबिक ये दोनों इस जगह पर तकरीबन 15 दिन ठहरने वाले हैं, जिसके लिए ये 70 से 80 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। ये तो सिर्फ ठहरने का चार्जेस है। वही बात करें इन दोनों खूबसूरत डेस्टिनेशन के बारे में तो बता दें होटल रूम से बाहर का नजारा दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। रूम के बालकनी से नेचर का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है, जो इनके हनीमून डे में 4 चांद लगा देने वाला है। वहीं इन्होंने अपना हनीमून और भी एक्सपेंसिव बनाने के लिए बाकी खर्चे भी किए हैं, जिसके लिए इन्होंने अपने रूम को रोज फ्लावर से डेकोरेट करवाया है, जिसमें ब्राइट लाइट्स लैंप भी शामिल है। साथ ही इन्होंने कैंडल से रूम में लाइटनिंग दी है। इस तरह से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपना हनीमून मनाने वाले हैं। तो आपका क्या कहना है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के एक्सपेंसिव हनीमून के बारे में जानकर? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।